अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों तुहाडी खिदमत च हाज़िर ने। और एक बात मैं आप लोगों को वीडियो के आगाज में बता दूं कि जो लोग इलम की रोशनी से मालामाल होने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उस्ताद तुहानू इस वीडियो में सिर्फ नेराई नजर आना है, रोशनी रोशनी तुहानू कोई नजर नहीं आनी। ये वाली वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ शुगल मुगल लगाने की नीयत के साथ बना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड मियां नमान और मोड़ा जी मौजूद है। ये चेक करो जी, बच्चा कितना तैयार शार होके आ जाए जैसे शादी में जा रहा हो। ऊपर इन्होंने अंकल मजबूर वाले रंग की ड्रेस शर्ट पहनी हुई है और नीचे यहाँ आपके भ्रा का कौमी लिबास पहना हुआ है लॉन्ग कच्छा। वो पीछे कार कैमरे में पूरी नहीं आ रही, इतनी मोटी लात रखी हुई इसने डायनासोर जैसी। भी हम मौजूद है जी मियां नमान और मोड़ा जी की हजार सीसी साबुदानी के बीच विद मर्दाना ट्रांसमिशन फॉर यू। ऐसा कोई गंदा बंदा अपना मुंह इसने पता नहीं कौन कौन से साबुन से धोया। ये देखिए लश्कार है हमारा गाय सोप के साथ, लाडो साबुन के साथ, लेकिन गाड़ी इसने गंदी मंदी रखी हुई है। पता नहीं इसके घर के पास ना सारे पिंडों का पेड़ खराब है। ये देखे यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। और तू गाड़ी जूम में खड़ी करता है घर में। उनको कोई दवाई देते बेचारों को, उनका पेट खराब हुआ है काफी देर से। नया प्रोजेक्ट करना है BMW। अब एक देखने जाए E36 देखने जा रहे हैं, इसको E46 दो गाड़ियां भी देखने जानी है। जो उनसे पसंद आ गई चलो उसका टोकन कर देंगे और जल्दी ही ऑन रोड कर लेंगे गाड़ी। अभी फिलहाल यहाँ पे 90 की स्पीड पे जा रहे हैं और पूरी गाड़ी से ऐसे ऐसे कार्य कांप रही है। इसकी अलाइनमेंट कराई हुई है, 900 ऑन हो गया जी, 900 ऑन हो गया। पॉल वॉकर, ओए वो मर गया था आगे जाके पीछे होके बैठ। चेक करें जी माशाल्लाह से इतनी मेहनत करके अभी तक 130 पे पहुंचे यार। तुमने नाइट्रस से बंद करा, ये बंद कर इसको, आगे मोड़ आ गया नीचे ना ले जी, फैक्ट्री में जाके बजेंगे। अल्लाह की कसम वाली गाय, मुझे इस बंदे की ड्राइविंग पे 1% भी यकीन नहीं है। ये देखे जी कहाँ पे टांग रही है स्टेयरिंग की भी। ये चेक करो स्टेयरिंग कैसे कहाँ पर है, तू वखरा यहाँ गधेर गधेर करने लग जाए। दोबारा करी 5 रुपए का कार मारी मीटर मारी तरीके सही है इसकी। फिर ठीक है, कन्नी तो नहीं खाती एवं प्रोजेक्ट जनाजे की याद ताजा ना हो जाए। 150 चल पुत्र कट मार, 150 में हम पहुंच गए। यहाँ पे मेरी लाहौर पुलिस वालों से इल्तिजा है, इसको पकड़ लें, इतनी गलत हरकत कर रहा है। यहाँ पे 160 पहुंच गया हम, मोड़ आ गया, थोड़ी स्पीड कम कर ले नहीं तो कई डब्बे में जाके बजेंगे। ऐसे कौन ब्रेक मारता है, बकरे चटके मार के ऐसे ऐसे की जा रहा है। चल रहन दे पुत्र, इससे नहीं होना आज गाड़ी से, 160 बहुत है। अगर आपकी भी गाड़ी का स्टेयरिंग इस तरह कांप रहा है तो बड़ा मेहरबानी जाके अपनी गाड़ी की व्हील बेल्ट चेंज करवाएं। अगर ब्रेक मारने पे आपका स्टेयरिंग इस तरह कांप है तो जाके अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड चेंज करवाएं। अगर फिर भी बेहतरी ना है तो जाके अपनी गाड़ी के तवक के ऊपर टूल लगवाएं। और अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपका स्टेयरिंग कांप है तो फिर क्या करना है, ऐसी गाड़ी कोई फायदा नहीं जिसका स्टेयरिंग ऐसे ऐसे कांपे शहरी किंग के गड्ढों की तरह। ये मोटा जी की ना टिड के साथ साथ आंखों के ऊपर भी चर्बी आ गई है। मैं बता रहा है कि पुत्र थले जाना है, फिर आगे चला गया। गोल्फ GTI आपके भरा की फेवरेट गाड़ी, माशाल्लाह वेरी नाइस। आपका भरा जब जाएगा ना बाहर, सबसे पहले जाके मैं यही गाड़ी खरीदनी है। यहाँ पे गोल्फ GTI ऐसे गायब हुई है जैसे नहरी में छापर, यहाँ पे मेरे से छोटी सी नोबॉल हो गई है। वो गोल्फ GTI नहीं GTE है। तू बकरी साबुदानी लेके फिरता रहे थे, जट है 100 निकाल के ला फिर मुकाबला करें उसके साथ। यार इसकी नाइट्रस किट पूरा पाइप लगा हुआ उसका, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। ये गोल्फ वाले भाई हमारे से केला खा गए हैं, उनको ऐसे लग रहा है हम उनके साथ ऐसे लगा रहे हैं। हैं भी बाबा जी बड़े हैवी है, किसी में कट मार रहे हैं। अब लगता है बाबा जी को ठंड पड़ गई है, जाग रही है गर्मी जाग रही है। बाबा जी का बस नहीं चला अगली गाड़ी के ऊपर से जाप मरवा के ले जाए। ये चेक करे आपको कहा था ना, ये शहरिया ये हो गया ही, माशाल्लाह वेरी नाइस। एक बारी फिर हो गया ही, चाचा जी छा गए, चाचा जी ने यहाँ पे मोटा जी को 9 मैच मार दिया। हम अपने फ्रेंड शाहजी जी टॉकर के पास पहुंच गए हैं, उनकी गाड़ी चेक करें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गाड़ी है। ये अंडा शराड है, उसको लंबा किया है उन्होंने। आप लोग कहेंगे अब ये JZX100 है, लेकिन ये वो नहीं है, ये अंडा शरार है, उसको लंबा किया हुआ है। रात को ये पानी में रख के सो गए थे तो सुबह तक ये ऐसी लंबी हो गई है। उसके अलावा रहे आशा यहाँ पे फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं। सुनाओ जी टॉकर साहब की हाल चाल है, लगता थका हुआ है नहीं कोमे चे है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड शाहजी जी टॉकर मौजूद है और इस बंदे का ऐसा कोई मुंह है कि देख के ऐसा लगता सारी दुनिया के दुखी सी को लगे हुए हैं। यार इतना दुखी क्यों होता है बता मुझे, उची बोल उची। ये देखिए जी डिप्रेशन की गोलियां लेने जा रहा है। अब बता इतना दुख क्यों होता है, बस दुख बड़ी है। क्या दुख लग गया तुझे बताना, बता तो सही नाजरीन के साथ शेयर करें तुझे कौन से दुख लगे हुए हैं। गाड़ी एवरेज नहीं देती, गाड़ी क्लियर नहीं होती, क्रैंक उड़ गई है, डिफ टूटने वाला दुख तो इसको लगता ही रहता है हमेशा शो के ऊपर। गाड़ी ढूंढने नहीं सही मारती, कौन सा दुख है तुझे बता। ये कल्टस की क्रैंक आवाज कर रही है।
भैया फिर क्रैक पास कर गए उतने नहीं हुए ये उस्ताद जी बूस्ट ऑन हो गया था गाड़ी का। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर ये आशा कहते हैं फिटनेस इज माय पैशन, इनको भी जिम जाने का बहुत शौक है लेकिन ये भी मोटे हैं। पीछे भी लिखा है हाँ जी डू यू इवन गिफ्ट मोड़ा जी अपने छोटे भरा के साथ बैठे हुए वो भी मोटा है तो ये भी मोटा है कहते तो दोनों का सेम ही है थोड़ा सा नीचे हो जा बराबर हो जाएगा ये माशा यहाँ पे मौजूद हमारे फ्रेंड बाबू भट्ट 132 डी वाले अब वो भी बाहर 132 ए भी 100 देखो 132 घर का नंबर भी 132 ते बाबू भट्ट भी 132 ओए ओकल्टस का नंबर भी 132 है वो देखो वो भी 132 दैट्स और रह गया उसका नंबर क्या है प्राडा भी खलोता भी डाला भी 132 क्रोला भी 132 यही सारी 132 हर चीज 132 ये हम इस लेले को भी प्लेट लगाएंगे 132 की जी छान मार के पहुंच चुके हैं 132 फॉर्च्यूनर के अंदर और आते साथ यहां पे केला चल गया इस केले के कंटेंडर नंबर 1 मियां नुमान उर्फ मोड़ा जी बताएं आप क्या दिखाना चाहेंगे ये क्या पता है केक की पावर टाइम बच्चों को केले के कंटेंडर नंबर 2 ध्यान शाह दोनों गाड़ी को साल लेके आओ के चुनी टाइप आई डेट सॉल वी एट कर सीटा चलाओ चलाओ इस तरह जी यहाँ पे हैवी मुकाबले हो गए हैं अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि कौन विजेता है के चुनी टाइप आई डेट सॉल या फिर वी एट कर सीटा इंशाल्लाह यार फ्रंट व्हील घर खड़ी है रियर व्हील लेने जा रहे हैं देखते हैं क्या बनता है जो नसीब में होगा मिल जाएगी इंशाल्लाह स्टांस का फिर थोड़ा सा तरस खा ले हमारे पास 2,80,00,000 कम है तो वो दे दे बकाया 20 लाख कम कर ले तुझे बड़ी चढ़ने पड़नी है बड़ी चढ़ने पड़नी है ये हम गाड़ी के पास पहुंच गए गाड़ी कौन सी है तो ये भाई यहाँ पे हम बेच रहे हैं इसकी जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये वाली गाड़ी है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था अम्बाले भाई के बिल्कुल पीछे गाड़ी खड़ी हुई है हाँ जी भाई बताओ कैसी लगी आपको गाड़ी ये बोलने के ऊपर तो ऐसे लग रहा है मोटर ने छलांग मारी हुई है ये चेक करो जी गाड़ी की यहाँ पे मदर सिस्टर 1122 हुई है शीशे चेक कर जानवर है जानवर है जानवर है गाड़ी आपको करीब से दिखाऊं तो मैंने जरा अगे जान दियो यहाँ प्लेनों ने मेरा रास्ता रोक लिया है ये है जी पतला होने का फायदा आपका पर आराम से निकला इधर बाहर क्या इंजॉय करने ये उस्ताद जी बड़ा डीलर बन गया यहाँ पे इससे आने बच के रहना है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर है तो आप देखते हैं अगली लाइट इसकी टूटी हुई है बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा डेंट है इंजन पता नहीं कौन सा है चाकी मारे ना उस्ताद बोर्ड फंसा हुआ फिलहाल अभी अंदर उसके अलावा साइड सी कंडीशन के ऊपर है साइड सी कंडीशन गुड है साइड का टायर इसको लगी नहीं है अगला टायर जिंदा पिछले वाला कोमे में है इंटीरियर की हालत के ऊपर आए तो स्टेयरिंग के ऊपर से BMW का लोगो गायब है सीट्स अंदर से फटी हुई है इसके अंदर मेरे ख्याल में इंजन है ही नहीं तो आज ही वड्डा खपा फॉर यू गाड़ी के बैक के ऊपर आए टीन उत्ते वादू ही लगी है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें आप इंजन डालो सस्पेंशन होके करो और उसको घुमाओ ये इन्होंने 2 सेकंड के अंदर गाड़ी तैयार कर दी चलो गाड़ी घुमाओ बैठो अंदर गाड़ी के घुमाओ इसको घूम गया गाड़ी जी घूम गया बिल्कुल रे आशा के दबा की तरह गाड़ी भी घूम गया बाबू बट 132 गाड़ी देख के आप क्या कहना चाहेंगे गाड़ी देख के भी थोड़ा बहुत सोच विचार करना पड़ेगा गाड़ी की हालत जो है ना बहुत माड़ी सूरत हाल है तो थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी सोचना पड़ेगा तो इंशाल्लाह देखते हैं एक को दिन बढ़ाते हुए देखते हैं क्या करना तू शादी पे आया पाँव पर रख के बैठा तमीज ने तुझे गाड़ी में बैठने के नीचे कर पाऊँ ठीक है हाँ अब बता तू क्या कहना चाहेगा गाड़ी वैसे अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो बेहतर है क्योंकि पूरी तैयार की जब सस्ती मिल रही है और पूरे प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन मेरे नाम से है क्योंकि अगर आप तैयार भी लोग इसको भी आगे ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे ये नहीं पता इसका इंजन क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें आप खुद काबली लेके इंजन डलवाओगे पूरी गाड़ी खुद अपने हाथों तैयार कराओगे तो मेरे नाम से बेहतर रहेगी बात उसे की कहना चाहोगे मैं तो कहना चाहूंगा तेरी चढ़ गया I don't know.
बस आप क्या कहना चाहेंगे इस गाड़ी भाई? मैं कहना चाहूंगा आपके ऊपर आगे पास अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे तैयार करने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बड़े कोई हाई हाई लेवल के जनाजे तैयार किए हैं, और इतने जनाजे तैयार करने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बंदा कोई अच्छी गाड़ी महंगी ले ले, लेकिन पड़ी हालत में गाड़ी सस्ती ना ले, क्योंकि अगर आप सस्ती गाड़ी लेते हैं तो उसको तैयार शायद करने में आपका चंगा भला उसको पैसा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट जनाजा था उतने की दो शराडे आई थी जितना उसके ऊपर पैसा लगा था, उसके अलावा आप सिविला के ऊपर आ जाए तो गाड़ी तकरीबन मुझे 16 लाख में पड़ती है। मेन बात यह है कि आप अगर थोड़ी सी महंगी गाड़ी ले ले तो आपका उसके ऊपर खर्चा कम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे मैंने ये फैसला लिया है अब मैंने रिमटायर लेने हैं, उसको पहले स्पून के लगे हुए हैं, वो मैं बेच के किसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, मेरा खर्चा कम हो गया। उसके अलावा उसके अंदर बकेट सीट्स लगी हुई हैं, मैं दूसरी बकेट सीट लेनी है, मैं अगले बंदे से एक्सचेंज कर सकता हूँ। जो वैसे मुझे चीज 60-70 हज़ार की पड़नी है खुद खरीदते हुए, अपनी पुरानी चीज दे के मुझे 10-12 हज़ार में मिल जाएगी। बंदा महंगी गाड़ी ले ले, उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर ले, बजाय कि सस्ती गाड़ी लेके उसके ऊपर अन्ना पैसा। लेकिन जो गाड़ी तैयार की है उस पर फख्र होता है बंदे को, मैंने तैयार की है। तो बस आप क्या कहना चाहेंगे यार? बस अब यार रूलते के पर चस बड़ी आई है। आप क्या कहना चाहेंगे यार? बाबू भाई 132 भाई अपना टिकटॉक दिखा रहे हैं भाई, टिकटॉक फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। ओ मेरी आवाज आ गई थी बीच में। हाँ जी साहब जिंदाबाद, मोटिवेशन मिल गया। तब मैं ना समझता जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। यहाँ पे हैवी कंफ्यूजन हो गई है बाबू, बट 132 को समझ नहीं आ रही कि गाड़ी के लिए इंजन लें या फिर ईद के लिए लेला लें। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? असल में आज माशाल्लाह मंडी के हो गए थे तो एक लेला छोटा लेकर आया, बकरा अब एक पसंद आ गया, डिमांड उसकी 6 लाख है, इंजन भी 6 लाख का है। अब समझ नहीं आ रही कि बकरा ले लें या फिर इंजन लें। ये 6 लाख का लेला टस्करीन है, वो वैडा कितने का देखा था? वो तो पागल हो गया, 55 लाख का वैडा क्या है। उसे क्या सिविक के साथ एक्सचेंज करना है बाबू? बट 132 यहाँ पे 132 का मीटर मारते हुए 170 पहुंच गए, बल्कि 160 की स्पीड में मोड़ काट रहे हैं। आगे वैगनार आ गई ठीक है बाबू, बट लेला लेना आपने भी जाके कहिए ना आप का लेला खा रहे हो। लेला भी खत्म नहीं है, 196 जाती है। 196 जाती है, इसी ऑन करके इसी बंद करके इसी ऑन से इसी ऑन के साथ। हाँ जी बापू, बट 132 अपने फॉर्च्यूनर पे वैसे होने लगे हैं, ये कह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर घुमा के चेक करवाता हूँ। अब देखते हैं क्या इनकी फॉर्च्यूनर सही तरह किसी मार पाती है कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। मोना जी को हमने पहले साइड पर उतार दिया कि तुझे कहीं चंडे ना पड़ जाए। गड्डी घुमानी सी क्या किसी दिल तो लगानी सी? फुल ड्रिफ्टर मोड, क्या बात है जी, क्या बात है बोनस की। ओ चचा बस कर जा, नाइस। ओ सानू ना थल्ले दे दी, वाह क्या एंट्री थी, क्या एंट्री थी, ये रोकने वाला अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। बाबू बट 132 फॉर यू, 132 वाले उस्ताद जी, बाबू बट पागल हो गया। इस बार फुल सोनिक मार रहे हैं शू इथे, क्या बात है जी बोनस की, बाबू बट 132 फॉर यू।